हेलो नमस्कार दोस्तों, 7 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ कुछ एमसीक्यू जो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है स्पर्मा स्कीम के बारे में। तो देखते हैं कि क्या स्कीम है और क्या हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पर्मा स्कीम का मतलब है स्कीम फॉर पेंशन एंड मेडिकल एड टू आर्टिस्ट। यह स्कीम है वो कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा लेके आई गई है और इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो ओल्ड एज के जो कलाकार हैं, मतलब जिन्होंने पहले अपना काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था जिन कलाकारों ने, या जो विद्वान हैं उन विद्वानों को एक्चुअली फाइनेंशियल एड वो देना, इसके साथ सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट वो प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है वो लेके आई गई है। मतलब साफ है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो आर्टिस्ट या जो विद्वान है जिन्होंने अपना काफ़ी अच्छा जवानी में अपना काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, उनको गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि बुढ़ापे में उनको फाइनेंशियल और सोशल के साथ इकोनॉमिक सपोर्ट हो दिया जा सके, उसके लिए स्कीम है वो लेके गई है। तो इस स्कीम में होगा क्या, इस स्कीम में होगी गवर्नमेंट है उनको पेंशन देगी और इसी के साथ उनको मेडिकल एड की फैसिलिटी है वो देगी। मेडिकल एड की फैसिलिटी है वो उनके परिवार में उसकी पत्नी, उनकी पति या उनके पत्नी में से किसी को भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है जो इस पर स्कीम किससे रिलेटेड है और किसने लॉन्च किया, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम लेके आ गई है। मेनली जो पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब चलते हैं हम आगे। आगे एक छोटी सी न्यूज है, वो है महामस्तकाभिषेक महोत्सव 2018 के बारे में। तो यह देख लेते हैं। तो महामस्तकाभिषेक महोत्सव 2018 है, ये मेनली 12 साल में एक बार आता है, तो एक बार मनाया जाता है। तो 2018 का ये है, यह कहाँ आयोजित हो रहा है वो देख लेते हैं। यह श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि महामस्तकाभिषेक महोत्सव 2018 है वो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पर लगेगा मेला, आज से स्टार्ट हो रहा है महोत्सव। और इसी के साथ इसमें बात की कि किसके लिए है, मतलब कौन से देवता है, कौन से भगवान के लिए। तो यह गोमतेश्वर भगवान जिनका नाम है श्री बाहुबली स्वामी के लिए यह है। तो देखो आप नाम से समझ जाओगे अगर एग्जाम जाता है तो कि बाहुबली मतलब ऑब्वियसली साउथ का नाम है, तो उस चीज से आप एक चीज इसको इजीली अटेम्प्ट मतलब एग्जाम में आंसर्स वगैरह को इजीली अटेम्प्ट वगैरह टिक मार्क कर सकते हो। तो ये चीज थोड़ी में ध्यान रखनी है कि मास मस्तकाभिषेक महोत्सव 2018 है वो मेरे लिए 12 साल में एक बार आता है, तो इस बार मनाया जा रहा है वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, आज से मनाया जा रहा है। तो इसको लेके छोटी सी न्यूज थी। अब चलते हैं हम आगे। आगे एक छोटी सी न्यूज़ आई है, वो आई है गूगल का एक कैंपेन है उसके बारे में। तो जो कैंपेन है उसका नाम है सिक्योरिटी चेक किया कैंपेन। तो सिक्योरिटी चेक किया जो कैंपेन है यह मेनली गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इस कैंपेन में यह प्रावधान रखा गया है ताकि जब भी हम गूगल के जो भी कोई जीमेल वगैरह कुछ भी उसका रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, हम लोग ऑनलाइन किसी भी चीज़ के लिए, मेनली गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बाकी इसका मेन मोटो यह है कि इंटरनेट के बारे में एक्चुअली सिक्योरिटी अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए, मतलब सेफर इंटरनेट डे है उसके मौके पर इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैंने इसका काम जैसा मैंने देखा कि सिक्योरिटी चेक करने के लिए, सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया गया है, क्योंकि देखो आज हमारा देश वो डिजिटल इंडिया की तरफ लगातार अग्रसर हो रहा है, तो उस दिशा में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमारी सिक्योरिटी उसको भी सुनिश्चित रखें। क्योंकि देखो अगर डिजिटल ट्रांजिशन कर रहे हैं या फिर मेल वगैरह हमारा कोई भी ड्राइव वगैरह कुछ भी हो, तो हमें उसके बारे में पूरी सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो इसीलिए गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया ताकि लोगों में इंटरनेट की जो सेफ्टी है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और इसी के साथ जो भी प्रोडक्ट गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, बाकी और प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में प्रोटेक्शन है वो भी सिक्योर है, सिक्योरिटी सुनिश्चित किया जा सके। जिस प्रकार गूगल में टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है कि पहले जो OTP वगैरह आता है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर आयोजित करने के लिए गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसमें एक तो UPSC पूछ सकते कि सिक्योरिटी चेक या जो कैंपेन हो किसके द्वारा किया स्टार्ट किया गया, तो वो ध्यान रखना है हमें कि हमें डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट के बारे में सिक्योरिटी और अवेयरनेस फैलाने के लिए गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जिस प्रकार से हम घरों में बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि दरवाजा बंद किया गया, तो उसी तरीके से स्टार्ट किया गया ताकि हम कोई भी एक लॉग आउट वगैरह कुछ भी कहीं भी इलीगल दूसरे तरीके से एक्सेस वगैरह की जाती है तो उसके बारे में सिक्योरिटी को चेक किया जा सके। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है प्राची वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो प्राची वैली सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसको लेके है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री के लिए कि है जो प्राची वाली सभ्यता सिविलाइजेशन है यह उड़ीसा में थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी, इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं UPSC, मतलब उड़ीसा वाले एरिया में इसकी लोकेशन होती है। अब देखो न्यूज़ में एक्चुअली यह है कि प्राची वाली सभ्यता के कुछ अवशेष वगैरह की बात है, तो वो अवशेष तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारे लिए एक तो प्राची वाली सभ्यता है ये देख लेते हैं। तो यह मेनली प्राची रिवर के किनारे इस सभ्यता का जो स्टार्टिंग है वो हुई थी, मतलब प्राची नदी थी उसके किनारे सभ्यता का उद्भव हुआ था। और इसे माना जाता है कि यह हड़प्पा संस्कृति और जो मोहनजोदड़ो संस्कृति सभ्यता थी उनसे भी है पुरानी सभ्यता है।
ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उनसे भी इसे पुरानी है और मेनली कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब इसके बारे में क्या कुछ खासियत है इसकी। तो इसकी खासियत यह कि प्राचीन जो वेली सभ्यता थी इसमें सभी धर्मों संप्रदायों को क्या कि एक यूनिटी में लेकर चला गया था। जैसे भारत को विविधता में एकता के धागे की तरह पिरोया जाता है, सेम उसी कॉन्सेप्ट को इसमें आगे फैलाया गया था। और अब वहाँ पर बात आती है कि प्राची रिवर के बारे में। तो जो प्राची नदी है वो मेनली महानदी जो रिवर है उड़ीसा से और उड़ीसा से जो बहती है उस रिवर की एक सहायक नदी है जो कि भुवनेश्वर के पास से होकर बहती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की प्राची वाली सभ्यता कहाँ से रिलेटेड है और क्या इसके बारे में न्यूज़ है, वो हमने सारे पॉइंट्स हैं वो देख लिए हैं। प्राची रिवर्स के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है प्राची, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है लघु उद्योग भारती के बारे में। तो लघु उद्योग भारती क्या है, देखो न्यूज़ में तो यह था कि इसकी भी रिसेंटली मीटिंग हुई तो उसके बारे में कुछ पॉइंट आया था, बट ये चीज़ बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लघु उद्योग भारती है क्या। तो यह मेनली ऑल इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइक्रो एंड स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके उनका आपस में एक सम्मिलित ग्रुप है। और यह 1994 में इसे बनाया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, इसका काम क्या है। यह जो लघु उद्योग भारती जो बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम ये है कि भारत में जो भी माइक्रो एंड स्मॉल जो इंटरप्रेनर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड देने का काम करती है। किस तरीके का सपोर्ट, जैसे कि एक तो इंस्पेक्टर राज था उसको मतलब हटाने का काम, इसके साथ जो प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है अंदर कंपनीज वगैरह में इंडस्ट्री वगैरह में उसको काफ़ी सिंपल तरीके से लाने में, इसके साथ ही उनको बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है और उनकी जो क्वालिटी है उनको मेंटेन करने के लिए, इसी के साथ जो फीमेल वर्कर हैं उनको प्रमोट करना, इसी के साथ जो प्रदर्शनी वगैरह लगाना ताकि उनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा बिक सकें, उनकी क्वालिटी वगैरह को सबको सारे जो काम है मतलब एमएसएमई जो होती हैं उनको बूस्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया है। अब देखो हमारे लिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये आ जाता है कि एमएसएमई होती हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्रेनर्स होते हैं उनका क्या महत्व होता है हमारे देश के लिए, मतलब क्यों वह इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहली बात तो यह कि जो एमएसएमई होती हैं वो मान ली हमारे देश की 95% जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रखती हैं, क्योंकि देखो बड़ी कंपनी तो बहुत कम ही होती हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी तो मेनली जो माइक्रो एंड स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वही ज़्यादा होती हैं। और ये हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको एक्चुअली प्रोडक्ट सप्लाई भी करती है, मतलब जो मेन बड़ी कोर इंडस्ट्री जैसे टाटा कंपनी है, तो अब ये तो है ना कि टाटा कंपनी सारे प्रोडक्ट खुद ही बनाती है तो उसको भी कहीं ना कहीं उसकी बाकी और छोटी कंपनियाँ होती हैं वो उन्हें प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, तो मेनली एमएसएमईज होती हैं। इसके साथ ही हमारे देश में अप्रोक्सीमेट 10,000 करोड़ के आसपास लोगों को रोज़गार देती हैं, जॉब काफ़ी जॉब भी ज़्यादा काफ़ी ऑप्शंस होते हैं और जॉब सिक्योरिटी भी होती है। इसी के साथ ये हमारे देश की इंक्लूसिव जो ग्रोथ होती है उसको भी सुनिश्चित करती हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के लिए भी ये पॉइंट कि एमएसएमईज हैं उनका क्या मतलब हमारे देश की इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है अटल डॉक्ट्रिन के बारे में। न्यूज़ ये है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि भैया आप अटल डॉक्ट्रिन है उस पे आप फोकस कीजिए। तो यह देख लेते हैं कि अटल सिद्धांत अटल डॉक्ट्रिन है क्या, यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटल डॉक्ट्रिन है वो मेनली जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है आपको पाकिस्तान एंड जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसको सुलझाने के लिए है। यह मेनली वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा लेके आया गया था। इसमें देखो इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि भाई पाकिस्तान के साथ जो भी मुद्दे हैं इंडिया के उनको हल करने के लिए एक शांतिपूर्ण हमें समझौता शांतिपूर्ण हमें बातचीत के द्वारा ही समाधान करना है। और जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा भी इसमें शामिल है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का जो भी मुद्दा है उसको भी हल करना है। अब देखो इसमें कौन कौन चीज़ों पर फोकस किया गया है, इसमें 3 P के ऊपर फोकस किया गया है, पीस प्रोसेस एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब शांति प्रगति और समृद्धि के द्वारा ही जो जम्मू एंड कश्मीर में शांति है वो स्थापित की जा सकती है या वहाँ का जो भी मुद्दा है उसको सोल्व है वो किया जा सकता है। और जिसके साथ पाकिस्तान का भी जो भी इंडेक्स का डिस्प्यूट है उनको इन चीज़ों के द्वारा ही या शांति प्रगति और समृद्धि के द्वारा ही एक्चुअली कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में बात की आती है कि हमारे देश में जो मानवता हुई लोकतंत्र हुई इसी के साथ जो कश्मीर के लोगों की जो पहचान आइडेंटिटी है उसकी भावना को हमें आगे लेते जाना है, ये इस चीज़ पर इसमें अटल डॉक्ट्रिन में फोकस किया गया है। तो मेनली देखो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अटल डॉक्ट्रिन है वो जम्मू एंड कश्मीर और जो पाकिस्तान का जो इश्यू आपको पता है कि इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट गंभीर इश्यू है उसको मतलब वहां पे शांति स्थापित करने के लिए लेके आ गया है। और इसमें इस बात पे जोर दिया गया कि भाई आपको इंडिया और पाकिस्तान है वो किसी भी थर्ड पार्टी की एडवाइस या थर्ड पार्टी की हेल्प वो नहीं लेंगे, आपस में आपसी शांति और समझौते के तहत ही इस चीज को शांति से मतलब टैकल करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे बात आती है कि 1999 में जब लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी लाहौर घोषणा हुई थी उसके तहत
भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि भाई हम दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान है वो शांतिपूर्ण समझौते, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से जम्मू एंड कश्मीर का जो इश्यू है उसका समाधान करेंगे, और इस बात पर सहमति हुई थी। मतलब उसमें यह फोकस किया गया था कि भाई पीपल टू पीपल टाइज है उसको बूस्ट किया जाएगा, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी डिफरेंसेज हैं उनको दूर किया जा सके। तो इस बात को लेकर भी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो भी लगातार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसी दिशा में कदम उठाने के लिए इस डॉक्ट्रिन की बात की गई है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ आई है वो ये साउथ एशिया रीजनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो देख लेते हैं इस न्यूज़ में है क्या। साउथ एशिया रीजन पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्फ्रेंस है, इसका पांचवा जो एडिशन है वो न्यू दिल्ली में भी आयोजित किया गया, तो उसको लेके न्यूज़ आई है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी कि इस बार की थीम क्या है, मतलब जो का पांचवा सेशन हुआ है इंडिया में उसकी थीम क्या है। इसकी थीम है वो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड सर्विस डिलीवरी, मतलब सार्वजनिक खरीद व सेवा वितरण की ये इसकी थीम है। तो थीम हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो इसका मोटो क्या है, मतलब क्यों यह जो कॉन्फ्रेंस है आयोजित की गई, इसका मोटो क्या है। इसका मेन मोटो यह है कि जो आज साउथ एशिया के जो 8 कंट्रीज़ हैं उन देशों के बीच में एक्चुअली जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसको बूस्ट करना, प्रमोट करना, मतलब सार्वजनिक खरीद है उसको बढ़ावा देना। इसी के साथ जो आपसी 8 कंट्रीज़ हैं उनके जो आप में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपस में मिलेंगे और अपने नॉलेज का एक्सचेंज करेंगे, ताकि आपस में जो सार्वजनिक खरीद प्रणाली है उसको बूस्ट किया जा सके। इसके लिए इसकी कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई है। और ये जो पहली कॉन्फ्रेंस थी यह काठमांडू में आयोजित की गई थी 2010 में, और जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो कि लास्ट कॉन्फ्रेंस थी वो की गई थी श्रीलंका में 2017 में, 2018 में की गई है इंडिया में। तो हमें इन तीन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पे हुई है, क्या इसका मोटो था, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साउथ एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ऑब्वियसली साउथ एशिया का नाम आता है तो सार्क का नाम सबसे पहले आता है, तो हम साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उनको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है मेनली साउथ एशिया की जो 8 कंट्रीज़ हैं वो। सबसे पहले आती है बात यहाँ पे, ये है अफगानिस्तान, इसके बाद में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद में आप यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के बाद में आप यहाँ पे नेपाल रहा, यहाँ पे बांग्लादेश है, भूटान है, इसके बाद में यहाँ पे बात आती है मालदीप की है। एक सेकेंड, मालदीप नीचे वाले एरिया में रह गया, यहाँ पे आता है मालदीव है, और मालदीव के बाद में श्रीलंका। तो ये मेनली 8 कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ एशिया में आती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है कि क्या म्यांमार है या नहीं है, तो इन चीज़ों में मैं देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी 8 कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यूपीएससी इस बार कई बार पूछ लेती है कि जो ब्रिक्स में है और आसियान, ब्रिक्स में या आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज़ कॉमन है, ब्रिक्स और सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ कॉमन, तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिनका मेंबर है स्पेशली, और साउथ एशिया का जो भी ग्रुप है वो तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया उसमें मेंबर है या नहीं है वो हमारे लिए काफ़ी अहम होता है, और ऑलमोस्ट जो अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं उनमें इंडिया मेंबर है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि साल रिवर के बारे में, तो आपको बताना है कि साल रिवर के बारे में कि कहाँ ये रिवर बहती है, और अभी ये न्यूज़ में थी। अगला क्वेश्चन आता है वो आता है इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के बारे में, ITEWC के बारे में। तो इसके बारे में पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, दूसरा दिया गया है कि इसे इंडियन सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के तहत बनाया गया था, जो कि हैदराबाद में है, और यह आता है मेनली अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो आपको बताना है कि है सही है या गलत दोनों स्टेटमेंट में। तीसरा क्वेश्चन आज का वो है IOC के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन के बारे में। तो पहला ऑप्शन इसमें यह दिया गया है कि इसे यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस के तहत 1961 में बनाया गया था, तो ये चीज़ आपको बताने की सही है या गलत है। दूसरा यह है कि इसका जो मेनली काम है वो सुनामी वार्निंग के बारे में अवेयरनेस फैलाना, इसके साथ जो ओशियन साइंस है उसको बूस्ट करना, और जो ऑब्जर्वेशन एंड जो डाटा एक्सचेंज होता है ओशियंस के बारे में वो है इसका सारा मेनली काम, इन चीज़ों पर इसका फोकस करती है। तो आपको बताना कि ये IOC के बारे में दिनों स्टेटमेंट है सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, वो आता है CSIR के बारे में। तो CSIR के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया कि एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनी हुई है। दूसरा ऑप्शन यही दिया गया है कि इसे 1942 में बनाया गया था। तो आप दोनों स्टेटमेंट को बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आगे एक छोटी सी न्यूज़ और थी वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आगे छोटी सी न्यूज़ थी वो थी मुख्यमंत्री अनिला भाग्य योजना के बारे में। तो इसको लेकर मे भी UPSC पूछ सकते हैं, खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मुख्यमंत्री अनिला भाग्य योजना है वो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट करने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से लेके, तो इसीलिए है न्यूज़ में आया है। तो इसमें मेनली ये प्रावधान किया गया कि जो LPG गैस कनेक्शन है BPL परिवारों को, वो कलेक्शन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो ये इसके लिए छोटी सी न्यूज़ थी जो हमने इसे कवर किया। इसी के साथ हम कल के कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था वो था कि सर्वाइकल कैंसर से बारे में था कि ये किससे रिलेटेड है। तो सर्वाइकल कैंसर है वो मेनली यूट्रस से रिलेटेड होता है, यह मेनली फीमेल में होता है। फीमेल का जो यूट्रस होता है उसमें एक
सर्वेक्स नाम का एक पार्ट होता है, और उस पार्ट के अंदर एक जो ट्यूमर वगैरह बनती है तो उससे यह कैंसर है फैलता है। तो ध्यान रखने में फीमेल में होता है। इसके वायरस का नाम है, वो हमने कल एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का नाम है और वैक्सीन का नाम हुआ है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, तो वो चीज़ हमने देखी हुई है। अगला क्वेश्चन था वो था सेन खलाई ब्लू कम्युनिटी के बारे में। तो सेन खलाई जो यह ब्लू कम्युनिटी है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था कि यह एक अफगान कम्युनिटी है, तो जहाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन था वो भी बिल्कुल सही है कि यह पश्तूनी वाली जो सभ्यता है उसके नॉर्म्स एंड कल्चर को फॉलो करते हैं। यह भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो अभी अफगानिस्तान के जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं हामिद करजाई, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने यहाँ की जो कम्युनिटी है ये मैली सेन खलाई कम्युनिटी, इन लोगों से मिले थे और इन लोगों पर भी एक मूवी बनाई जा रही है, तो उसी मौके पर न्यूज़ में आई है। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि कहाँ से रिलेटेड बिलोंग करती है कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था डस्ट मिटिगेशन प्लान के बारे में। तो डस्ट मिटिगेशन प्लान है, यह मेनली जो भी फर्म है जहाँ पे मतलब डस्ट वगैरह फैलने के चांसेस होते हैं उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई है, तो पहला ऑप्शन उसमें सही था। और यह मेनली जो भवन निर्माण के लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि देखो सिटी में क्या होता है कि जब भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो उस कंडीशन में काफ़ी डस्ट वगैरह उड़ती है, पत्थर वगैरह तोड़े जाते हैं या फिर ईंट वगैरह बजरी वगैरह वो इधर से उधर ट्रांसफर की जाती है, तो उससे काफ़ी क्या डस्ट फैलती है और काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि भाई जैसे कि कहीं भी आप ट्रक वगैरह जा रहा है जिसमें बजरी वगैरह जा रही है तो उसको ढक के लेके जाना है, या फिर वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन चला तो उसके बारे में पूरी अवेयरनेस के एक बोर्ड लगाना है बाहर में कि किस किस तरीके से काम हो रहा है, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर जो बाहर मतलब एक तरीके से पर्दे वगैरह है जो भी उनका सारा अरेंजमेंट वगैरह होना चाहिए, तो वो गाइडलाइंस के तहत जारी की गई थी। इसके साथ उसमें दूसरा ऑप्शन था होता कि सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा स्टैंडर्ड बनाए गए हैं अंडर NAQS, जो ऑप्शन भी बिल्कुल सही आता है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ग्रीन गुड्स डेट कैंपेन। तो यह मेनली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है ताकि जो स्टूडेंट और जो बाकी और लोग हैं उनको हमारे इन्वायरमेंट और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में पहले से ही अवेयर किया जा सके और जलवायु परिवर्तन हो रही है उसे भी कंट्रोल किया जा सके। इसका देखो गवर्नमेंट का मेन मोटो ये आया है इस ग्रीन गुड्स डेट्स कैंपेन के लिए ताकि हम हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको वापस एक अच्छा इन्वायरमेंट और ग्रीन इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवा सकें, उसके लिए स्टार्ट किया गया कैंपेन। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।